हेलो गाइस, तो आज मैंने व्लॉग शुरू किया है। देखिए पूरे 1 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, और मेरी हालत आप देख के बता सकते हो कि मैं बिल्कुल भी अभी रेडी नहीं थी व्लॉग बनाने के लिए। पर फिर भी ना मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर मैं टालती रहती ना तो व्लॉग आज ना बन पाता। तो सबसे पहले तो मैंने खाया है अभी पपाया, ठीक है। आनंदिता ने भी जो है देखिए पपाया खा रही है। से हेलो पपाया बताओ। तो आनंदिता जो है पपाया जो है खा रही थी। तो मैंने जो है ना सुबह पहले वीडियो एडिट की, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्या होता है ना जो व्लॉग है ना वो सुबह एडिट करती हूँ। जैसे ही मैं उठती हूँ व्लॉग एडिट करने में लग जाती हूँ, क्योंकि फिर 2 बजे जो है व्लॉग आना होता है। और अभी जो है कपड़े वॉश करने रहते हैं। कल मैंने जो है कपड़े वॉश किए थे आधे आधे, आज वॉश करूँगी। और अब जो है मेरे को लंच भी बनाना है। आज लंच पे मैं सोच रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँ। बस यही थी अभी तक की अपडेट। अब पहले मैं मटर छीलूँगी और फिर मैं देखती हूँ आपके साथ मटर पनीर की रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे कि मटर पनीर बनाना कोई वो तो नहीं है, पर फिर भी आपके साथ शेयर तो मैं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है तड़का की प्रिपरेशन कर ली है। यहाँ पे अदरक लहसुन को बिल्कुल पेस्ट जैसा बना लिया है मैंने। इसमें दरदरा नहीं जाएगा मटर पनीर में। और यहाँ पर इस साइड जो है मैंने प्याज की प्यूरी बना ली है। अच्छी ग्रेवी बनती है। एक बड़ा प्याज है और यहाँ पर 2 टमाटर की प्यूरी बना ली है। और यहाँ पर पनीर जो है क्यूब्स में कट कर लिया है। और वहाँ पे जो है मैंने मटर को भी जो है अच्छे से वॉश कर लिया है, धो लिया है। और चलिए अब मटर पनीर की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए मटर पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने कुकर में जो है मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, और साथ में एक और पैन आप देख रहे हो, इसमें जो है मैं पनीर को फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा के बाद जो है मैंने डाल दिया है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। और एक साइड जो है पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, क्योंकि इसमें मैं थोड़े से फ्राई करूँगी पनीर को। और यहाँ पे एक साइड जो है मैंने प्याज को जो है डाल दिया, प्याज की प्यूरी डाल दी और साथ में हल्दी डाल दी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा तेल को गर्म होने देंगे। आज मैंने देसी घी में नहीं किया है पनीर को, क्योंकि फिर ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, जबकि मटर पनीर में जो पनीर होता है वो थोड़ा सा खड़ा खड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए अब मैं फ्राई करूँगी इसमें। तो यहाँ पर मैंने जो है टमाटर की प्यूरी डाल दी है, और साथ में बेसिक मसाले किचन किंग, धनिया पाउडर, नमक थोड़ा सा, और जो है धनिया पाउडर वगैरह मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे पनीर जो है ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, अब मैंने गैस ऑफ कर दी क्योंकि पनीर नीचे लगने लग जाता है। यहाँ पे मैंने जो है एक एक करके पनीर के क्यूब्स को निकाल लिया है। और इस साइड जो है मेरी पनीर की जो ग्रेवी है वो हो रही है। ग्रेवी को अच्छे से पकाना है। अब मैंने जो है इसमें डालूंगी देगी मिर्च, थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि बहुत तेज़ होती है, सिर्फ कलर के लिए मुझे चाहिए, तो मटर पनीर का अच्छा कलर आएगा। और यहाँ पे मैंने जो है डाल दी है मटर, और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। मैंने एक गिलास पूरा भर के नहीं डाला था। यहाँ पर मैंने पनीर भी डाल दिया, और अब यहाँ पर कुकर को जो है अच्छे से बंद कर दूँगी, 2 सीटी आने की वेट करूँगा। अनंता रो रही है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि भूचाल आ गया है, और मुझे जस्ट हस्बैंड का भी फ़ोन आया, तभी मैंने रियलाइज़ किया, तो जा रहे हैं अभी हम जो है जस्ट वापस आ गए हैं। वैसे भूचाल जो है कहते बहुत तेज़ आया, पर मुझे इतना रियलाइज़ नहीं हुआ। हस्बैंड ने फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन पिक भी किया, फिर उसके बाद मेरे को उन्होंने बोला कहते कि किरण भूचाल आ रहा है, तो मैंने कहा अच्छा, मैं कहा पता नहीं, मुझे तो पता नहीं। फिर मैंने पीछे जैसे पीछे मुड़ के देखा तो हमारे वो चल रही थी जो पानी की वो आती ना बोतल, तो वहाँ से मुझे पता लगा कि पानी कैसे मिल रहा है यार। पानी कभी ऐसे वो स्टेबल रहती बोतल, तो ऐसे कभी भी हिलती नहीं है वो, तो उसमें से पानी हिल रहा था। तो फिर और उस टाइम मैं रेसिपी शूट कर रही थी एक्चुअली मटर पनीर की, और जब मैं नीचे गई आनंदिता को लेके भागी भागी गई, तो नीचे देखा तो नीचे कोई भी नहीं खड़ा था क्योंकि इतना मेजर नहीं था, हल्का फुल्का ही भूचाल आया था। और 5 से 10-15 मिनट में जो हूँ नीचे खड़ी भी रही, पर फिर भी कोई नहीं आया। मुझे लगता है सबको अब आदत हो गई है, पर फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जब भी हो तो जल्दी फटाफट से बाहर निकल जाना चाहिए बिल्डिंग्स से। यहाँ पे जो है हमारा मटर पनीर जो है बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ ही कर रही हूँ, बट इट वाज़ वेरी यमी। आप डेफिनेटली इस रेसिपी को ट्राई करना, आपके जब कोई गेस्ट आए हों तो स्पेशली इस तरह ट्राई करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बनाने के बाद। मेरी जो है प्लेट कुछ ऐसी लग रही है आज लंच की, कर लिया है मटर पनीर है और साथ में स्टीम बीन्स हैं, और आगे की रोटी बनाई है आज मैंने। और आनंदिता बोल रही है कि मेरी भी जो है प्लेट दिखाई जाए, तो मैं आनंदिता की प्लेट भी दिखा रही हूँ, है ना आनंदिता है ना। चलिए अब मैं लंच स्टार्ट करती हूँ। सो गाइज़, ये ना अगली मॉर्निंग हो चुकी है, और बीच में मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं किया था। और अभी हमें ना थोड़ा जाना था मार्केट,
और वहाँ से मुझे लेने थे कुछ दूध और पनीर चाहिए था मुझे लंच में, तो उसी लिए मुझे अनंदिता के साथ जाना है, तो चलिए चलते हैं। तो गाइज़ मैं जो हूँ इस ब्लॉग को ये एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे अब नया ब्लॉग जो है शुरू करना है, जिसमें बहुत ही अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।